अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्प्ले टच करेंगे Y33S का और देखेंगे किस तरह की हमें यहाँ पर क्वालिटी देखने को मिलती है। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 1080p का IPS का पैनल देखने को मिल जाता है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। अगर यहाँ पर हम पिक्सल की बात करें तो आपको 406 यहाँ पर पिक्सल देखने को मिलते हैं। इसके साथ साइज़ की बात की जाए तो आपको 6.5 इंच का बड़ा साइज़ यहाँ पर देखने को मिलता है इस डिवाइस में। यहाँ पर हम फ़ोन की चिन की बात करें तो आपको यहाँ पर काफ़ी बड़ी चिन देखने को मिलती है, लेकिन बेजल आपको काफ़ी पतले यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ऊपर वाली साइड में आपको एक नोच देखने को मिलती है जो कि काफ़ी डिस्टर्ब करती है वीडियो की क्वालिटी को, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पर डिस्प्ले काफ़ी ओके है, क्योंकि आपको IPS का पैनल यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर हम कलर की बात कर रहे हैं तो कलर काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। इस दफ़ा IPS का पैनल तो ज़रूर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन जो कलर है उसकी क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। मैंने अभी तक जितने भी IPS के डिस्प्ले देखे हैं मुझे इससे काफ़ी बेहतर यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिला है। बहुत जल्द हम दूसरे IPS पैनल के साथ इस डिस्प्ले को कंपेयर करेंगे, इसके साथ जो AMOLED के डिस्प्ले हैं उसके साथ भी इसको कंपेयर करके देखेंगे कि कितना यहाँ पर हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट लाजमी कीजिएगा आप किस फ़ोन के साथ इसको कंपेयर करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर हम IPS और AMOLED का कंपेयर करें तो AMOLED में आपको कलर काफ़ी प्यारे देखने को मिलते हैं, इसके साथ आपकी बैटरी भी फ़ोन की कम यूज़ होती है। अगर यहाँ पर हम IPS डिस्प्ले की बात करें तो आपको कलर काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, इसके साथ आपको डिस्प्ले की रोशनी ज़्यादा देखने को मिलती है, इस वजह से आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो ज़्यादा तेज़ी से गिरती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।